मॉर्निंग, सुप्रभात और राधे राधे। आज के ब्लॉग में करती हूँ आप सभी लोगों का स्वागत। वैसे तो एक बज गया दिन का और आप सोच रहे हैं कि मैं घर पे ही सो लिया, मैं क्यों? तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिग्ना की ट्रेनिंग थी 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, तो मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। क्योंकि जब हम जूम कॉल करते तो हम सिर्फ इतना, जितना अभी आप देख पा रहे हो इतना ही दिखता है, वो भी मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ क्योंकि हमको एक स्क्रीन जो PPTs होती हैं वो रन करनी पड़ती है। तो ये तो थी अभी तक की बात। दूसरी चीज़, अब बहुत भूख लग रही है तो खाना है वो गर्म करके खा लेती हूँ। सुबह मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं कुछ नाश्ता वगैरह कर सकूँ। और तीसरी बात ये थी कि ये जो स्टैम्प थी श्री श्याम क्रिएशन की, मेरी बन के आ चुकी है। करंट अकाउंट का काम सारा हो चुका है। तो ये सारे काम मैंने कल, मैंने बहुत दौड़ भाग की थी, फर्स्ट हाफ से लेकर के रात तक दौड़ भाग करने में ही थी मैं। पर आज थोड़ा सा अभी अब मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, मैं खाती हूँ कुछ खाना और रेडी होकर के फिर मुझे एक छोटा सा और लास्ट काम रह गया है करेंट अकाउंट के लिए, तो बैंक का वो कर लेती हूँ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में और वक्त नहीं है, तो देखती हूँ क्या क्या हो पाता है और आप लोगों को अपडेट जरूर करूँगी। लड्डू राधा मुरली को थोड़े देर के बाद मैं रेडी ही नहीं किया अभी तक, आज मुझे उनका लिए भी टाइम नहीं मिला। अभी उनको कुछ भोग लगाया मैंने, तो डिस्टर्ब नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद आप लोगों को दर्शन कराती हूँ दोस्तों, और मिलते रहेंगे फिर। सो गाइज, ये जो चिड़िया है ये बिल्कुल भी ट्विटी नहीं है, ये पल्लू की चिड़िया है, सबसे छोटा वाला बेबी है ये। और इसको चोट लग गई थी लास्ट टू लास्ट वीक, ये पंखे से टकरा गया था और बहुत चोट लग गई थी इसको, पर अब ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसको घर पे ले आई थी क्योंकि वहाँ पे जो बर्ड है अभी पल के पास वो है सन कोन्योर, और ये जो है उससे डरते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको जो बाकी की चिड़िया दिखती हैं वो सारी इसी की ब्रीड की, यानी कोका टेल्स हैं सारे। तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट तो नहीं है पर बहुत हद तक ठीक है। सो गाइस, बोलिए राधे राधे। और ये हैं आज के दर्शन लड्डू राधा मुरली के। तो देखिए बिल्कुल नहा धो के रेडी होके बैठे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल भी मुझको मिल गए थे नन्ही। अब मैं, ये है हमारे गणपति पप्पा, तो बोले गणपति पप्पा मोरिया। देखिए जैसे औरतें अपने जूड़े पे लगाते हैं ऐसे साइड में फूल लगाया मैंने गणेश जी के, देख रहे तो प्यारे लग रहे सारे के सारे, देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने शुद्ध हिंदी बोलने का वो ठान रखा है नन्ही, शुद्ध हिंदी बोलूँगी मैं। आप तो दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा था कोचिंग से वापस आते समय का, यानी कि 7 बजे के आसपास का, और आधा घंटा लग गया मुझे 10 मिनट के रास्ते पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, कुछ नहीं कर सकते भाई। सो गाइस, बज चुका है 9 और घर जाने का समय हो चुका है। तो आज मैंने ना कुछ सिला ना कोई वीडियो बनाई, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। देख रहे हो एक लेडी है जो इनको रोज़ खाना खिलाने के लिए आती है, तो ये उनका वेट कर रहे हैं, वो 9 बजे ही आती हैं। देखो इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए ये होते हैं जीव जंतु, ये तो बहुत होशियार हैं, ये इनको पता है। और वो आती ही आती हैं, इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे, मतलब अप्रैल से हम लोग ने यहाँ पर प्रॉपर शॉप स्टार्ट की थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 5 मंथ कम्प्लीटेड। और मैं डेली देखती हूँ, वो डेली आती हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको ना देखा हो। और वो एक टेरिटरी यहाँ बनी हुई है और आगे भी होंगे 3-4 डॉग्स, अभी देखने के लिए जाएंगे आगे तक, ये मेन रोड है तो यहाँ पे देखने के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया ना तो इनको हो रहा है कि आई क्यों नहीं है।